स्टडी फॉर जॉब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां आपको हर रोज़ सरकारी नौकरी की जानकारी मिलती रहती है। तो अगर आप सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं हूं विवेक चौहान और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नई वैकेंसी की अपडेट लेके आ रहे हैं। ये वैकेंसी आती है भारतीय जल सेना में और इसके लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए केवल 10वीं पास। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को कोई भी शुल्क नहीं देना है। सबसे खास बात कि ये वैकेंसी ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए है। तो चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वैकेंसी आती है इंडियन नेवी में और यहाँ पे कितने पोस्ट हैं इसके बारे में डिटेल रूप से नहीं बताया गया है। और यहाँ जो पोस्ट का नाम है वो है नाविक के लिए और इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए केवल 10वीं पास। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे जाके यहाँ से इसका नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। बात करते हैं जॉब लोकेशन की, तो ये वैकेंसी आती है ऑल इंडिया से और ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसका आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए जो एग्ज़ाम का सेंटर बनेगा वो होगा मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और कोची में। इसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/10/1993 से लेके 3/9/2001 के बीच होनी चाहिए। यह फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरा जा रहा है और आपको इसको भरने का लिंक आपके वीडियो के नीचे मिल जाएगा। यह फॉर्म 14 मई 2018 से भरना शुरू हो चुका है तथा इसका अंतिम डेट 27 मई 2018 है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं देना है। यहाँ पर आपका सिलेक्शन फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है। यहाँ पर आपको सैलरी मिलती है 14,600 रुपये पर मंथ की। तो अगर आप इसका आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है आप उस लिंक से इस वेबसाइट पर आइए और यहाँ से सबसे पहले आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अगर आप इसका आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ से इसका आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। फाइनली सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.